चारों नगर पंचायतें थी, सभी जगह बड़ी मुश्किल लोगों के फॉर्म भरा पाए। मैं केवल आप सबसे इतने कहना चाहता हूँ आदरणीय साथियों, इतना आतंक हमारे इस खुरई क्षेत्र में जिस तरीके से है कि हमारे मुंह पे ताला लगा हुआ है, इतना इतना जबरदस्त आतंक या इतना जबरदस्त भय का माहौल। परंतु आज जो भय आदरणीय आपकी वजह से, अरुण भैया आपकी वजह से, मैं दिग्विजय सिंह जी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हम सबके कहने पे उन तमाम पीड़ित परिवारों के वो घरों पे गए और उन्होंने हम सबको ढाढ़स बंधाया, घर घर पे गए, घर घर में चाय पी उन्होंने और उन्होंने अपने सुपुत्र हमारे प्रिय नौजवान हमारे प्रदेश के नेता जयवर्धन सिंह जी को एवं पूर्व मंत्री जी को यहाँ भेजा और आप सबके लिए पूरे हम लोग गली गली में घूमे, हमारे बार बार में हम लोगों ने घूमने की कोशिश करी, भय को कम करने की कोशिश करी और वो देख के आज हमारी खुशी हो रही है कि उस भय को आपने नकार दिया है, उस भय से आप मुक्त होते मुझे नजर आ रहे हैं और टोटल मुक्त हो जब अभी 10 तारीख आने वाली है, अधिसूचना लगने वाली है। मनोज भैया जी आपको भी भूल गए थे हम नाम, परिहार जी आपको हम भूल गए थे नाम, है ना, अंतुल को नाम भूल गए थे, उकाश दिग्जात तो याद आ रहा, जिन लोगों ने यहाँ लोकल में संघर्ष किया नाम सबके जानता हूँ, नवन सेन कहे और अमित लोधी और वहाँ के अपने अमन भाई, वहाँ के रिचारिया जी, बहुत सारे सुरेंद्र लोधी जी, बहुत सारे लोग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। केवल आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि देखो इस दुनिया में आए हो, जाना सबको है, परंतु बहुत ज्यादा नादिरशाही भी किसी की बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और जब सब खड़े हो जाएंगे तो किस किस के मकान गिराएंगे, कितने विंडो जल लाएंगे, अब तो उनके पास टाइम भी नहीं बचा है। हमारे इस प्रदेश में, देश में और माननीय अरुण भैया हमारे जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में अत्यंत शुरुआत कराई, रेहली में गोपाल भार्गव जी ने और फिर उसको फॉलो किया भूपेंद्र जी ने और उसको फॉलो किया गोविंद सिंह ने लगातार। मैं इनको सब बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं इन सब लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ जो अंदर से बहुत भयभीत और डरते हैं, मुझे मालूम है। मैं छात्र जीवन में ये लोग मेरे सीआर हुआ करते थे, मेरे कक्षा प्रतिनिधि हुआ करते थे, जब मैं छात्र राजनीति करता था यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और चुनाव लड़ता था और लड़ाता था, तो मैं इनको बहुत नजदीक से बहुत वर्षों से जानता हूँ। परंतु जो डरता है, लोग सबसे ज्यादा किसे डराते हैं, जो डरता है, जो डर गया सो तो मरने हैं कि जीने हैं, तो डर को भगाओ और इनको भगाओ, वही बामोरा के बामोरा पहुंचाओ, जाके कहीं छोड़ आओ, है ना, जैसे गणेश जी की विदा कर गई, बहुत लाभ लाओ, बहुत सुन रही उतई कुतई विदा कर आओ, कहियो भैया हमारे आप सही में वही सुलझा रहे हैं, जैसे थे वैसे ही बने रहे, बहुत अच्छी बात है। एक हमारे साथी ने कहा था कि भैया 20 साल रहा वो एक MLA, बस हम जल्दी कर, एक MLA धर्मुराज 20 साल रहा, की नहीं कटी, मैं भी इस जिले में प्रभारी मिनिस्टर रहा, मेरे भी यहाँ सब लोग मेरी कुर्सियों पे आते रहे, मुझसे मदद बात, मगर हम लोगों ने कभी कांग्रेस के लोगों ने किसी की उंगली नहीं की और हमारे कहते हैं 60-65-70 साल हमने राज किया और ठोक के किया, हमने देश को आजाद कराया था, जनता ने हमको सरमाथे में बिठाना और हमको सत्ता दी, परंतु हमने ऐसा नहीं किया, हमने एक के घर में बिल्डोजर नहीं चलाया, हमने उनको उन निंदा करने वालों को भी नियरे रखा कि जिन्होंने मेरी निंदा करी और उन निंदा के माध्यम से हमने अपने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करी। बड़े बड़े कवियों ने कहा है कि निंदक नियरे रखिए, निंदा करने वाले व्यक्ति को भी उसकी सुनना चाहिए कि हम गलत कहाँ है, हम जाने जबकि सुबह तुम नहा धो के निकला था तो जुल्फे पार में कला रहे, आईना को उपयोग न करो, आईना दिखाता है कि हमारा चेहरा कैसा है। आदरणीय साथियों मैं उनको सलाह दे रहा हूँ
ओ भैया एक से विनती कर रहा हूँ, मैंने बीना के मंच में करी थी, एक विनती और कर रहा हूँ, ठीक है भैया। हम तो ऐसे है कि नंगे नवाब और ऊपर झंडा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दादा जे लोग जो इतनी मैंने इतना विकास मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं है, जितना बामोरा में हुआ है और जितना किला कोठी में हुआ है और जितना गोपाल भार्गव में हुआ, इतना विकास भैया हमने कहीं देखा नहीं है। जब अभी तो अब इतनी इतनी अकूत अचल संपत्तियां, चल संपत्तियों को तो पता नहीं कौन से कमरों में भरी रखी है, है? हाँ ये डल्लू जय उनसे निवेदन कर रहे भैया बन जाए सरकार प्लीज, ये जाजे जरूर बैठवा दियो, हम केवल इतनी विनती कर रहे हैं आपसे। जय राम जी की, राम राम। दाऊ साहब बहुत बहुत धन्यवाद।